तो गुरद्वारा श्री कोतवाली साहब विखे मौजूद हाँ। इतों के ग्रंथी सिंह अजीत सिंह जी साढ़े नाल जुड़े ने, उन्हां गलबात करदे हां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई जी, इतों के इतिहास बारे संगतां नूं जानना पाओ कि इस पावन अस्थान का इतिहास की है। इतिहास बारे जानकारी वास्ते संगतां नूं बेनती करते हाँ, गुरद्वारा कोतवाली साहब विखे पहुँचे हैं। गुरद्वारा कोतवाली साहब उह स्थान है जिथे माता गुजर कौर, छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, माता गुजर कौर ने एक रात रैन बसेरा किया है। इतिहास जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का परिवार विछोड़ा होया, तीन हिस्सों में परिवार वंडिया गया। एक पासे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ते माता गुजर कौर, दूसरे पासे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, नाल पंज प्यारे ते 40 सिंह जो चमकौर दी गढ़ी विच उधर वग गए। तीसरे पासे माता सुंदर कौर, माता साहिब देवा, भाई मणि सिंह नाल दिल्ली नूं रवाना हो गए। जदों साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार विछोड़ा होया तां कौमी मासकी दी झुंबी विच माता गुजर कौर ते बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह ने एक रात उत्थे बतीत कीती। उत्थे लक्ष्मी नाम दी ब्रह्मणी ने साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दे छोटे साहबजादियां नूं ते माता गुजर कौर नूं प्रसादे पाणी दी सेवा कीती। उत्थे ही दिन चढ़दे नाल गंगू दे नाल मिलाप हो गया। जदों गंगू मिलिया उन्हें माता दे चरणां विच बेनती कीती, माता जी तुसीं मेरे नाल चलो, मैं तुहाडा इन्ना चिर रसोईया रहा हाँ, मेरा पिंड नेड़े है सहेड़ी, मैं तुहाडी उत्थे जा के सेवा करूँगा। माता गुजर कौर बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह नूं लै के उत्थों सहेड़ी नूं रवाना हो गया। सहेड़ी तो किलो क मीटर पिछे गुरद्वारा अहमा साहब है, उत्थे एक महापुरश जो संत रूप दे विच बंदगी करते सन, गंगू माता जी दे चरणों में बेनती की ते छोटे साहबजादे नूं कहन लगा तुसीं इत्थे आराम करो, मैं पिंड जा के देखदा हाँ किते वह गल ना होवे, पुलिस होवे तुहानू फड़ लैन, मैं पिंड दी जा के सारी रेख देख करके आउणा हाँ। तां माता जी उस महात्मा कोले पहुँच गए। जदों माता जी दे महात्मा ने दर्शन किते वह गदा गद खुश हो गया। उन्हें माता जी नूं बेनती की, माता जी तुसीं मेरे झुग्गी विच किवें दर्शन दित्ते? माता जी कहिंदे ऐवें इधर आ गए हाँ। उस गुरद्वारे दा नाम अहमा साहब है जो श्रोमणी कमेटी वेले है इतिहासक गुरद्वारा है। तो उस तो बाद गंगू माता जी नूं ते साहिबजादे नूं आपदे घरे ले आया। जदों घरे ले आया तां गंगू नूं लालच हो गया, माता कोल एक गुजर खुरजी सी जिहदे विच सोने दीआं मोहरां सी। माता जी नूं घरे मंजा बिस्तरा दित्ता, विश्राम कीता, तां उह सोने दीआं मोहरां देख के गंगू बेईमान हो गया। उहदे दिल विच लालच आ गया, उन्हें सिखिया भी जे इन्हां नूं आपां जहर दे दईए ये माया सारा कुछ मेरे कोल रह जूगा। उन्हें आपदी माता सोभी नूं जाके आख्या, माता जी आ लै जहर दीआं पुड़ियां, जदों खाणा बनावेंगी इन्हां नूं दे दईए, खत्म हो जाणगे, सारा माल धन आपणे कोले रह जाएगा, अपने घर की गरीबी दूर हो जाऊगी। माता सोभी ने, गंगू की माता ने बहुत पटकारा कीतियां, कहिंदी छोटे छोटे बच्चे हैं, बिरध माता है, तू इन्हां दा 21 साल रसोईया रहा है, इतना पाप ना कर। जदों माता ना मन्नी, माता गुजर कौर जी नूं नींद कित्थे आउणी सी, साहिबजादिआं नूं बुक्कल दे विच लै के पई सी, तां रात नूं गंगू ने मोहरां वाली जो कुरजी सी उह खिसका ली, चक ली ते रौला पाता, चोर आ गए, चोर आ गए। जदों माता ने सारी गल सुनी, माता गुजर कौर जी गंगू नूं कहिंदी ना भाई रौला ना पा, माया दी लोड़ है होर लै ला, माया ये भी तू तेरे कोले है, जदों साडा गुरु गोबिंद सिंह नाल मिलाप होगा जितनी माया आखेंगा उतनी देवांगे, पर तू रौला ना पा क्योंकि साडे मगर हुकूमत लगी हुई है, जे पुलिस दे असीं गिरफ्तार हो गए तां बहुत माड़ी गल होगी। गंगू ने इस गल का बड़ा गुस्सा करिया। माता नूं कहिंदा नाले मैं बागियां नूं रात कटाई है, नाले तुसीं मैनूं चोर कहिंदे हो, मैं तुहानूं इस दा तजर्बा दिखाउणा हाँ, हुणे जाना हाँ मरंडे, उत्थों जा के पुलिस लियाउणा हाँ, तुहानूं गिरफ्तार करवा दिंदा हाँ।
माता दे कहन दे ना हटिया पिंड दे चौधरी नू लैके मरंडे पहुँच गया जिथे अस्थान हुण सुशोभित है। इत्थे जानी खां मानी खां थानेदार सी उहनां नू नाल लैके फौजां नू पुलिसां नू नाल लैके इत्थे रथां ते जाके उन्हें साहबजादे गिरफ्तार करवा दिते। छोटे साहबजादे ते माता गुजर कौर गंगू दे घरों गिरफ्तार कर करके इत्थे गुरद्वारा कोतवाली साहब जो उस वेले थाना सी ओह हवालात मौजूद है इतिहासक अजे भी इसकी सेवा बाबा हरमन सिंह दिल्ली वाले उन्हां तो बरसाए बाबा बचन सिंह बाबा सुरेंद्र सिंह सारी कार सेवा जिम्मेदारी कर रही है। बहुत सोहना प्रोग्राम चल रहा है। इसे स्थान ते करात साहबजादे ते माता गुजर कौर ने बतीत की। इतों फिर दूसरे दिन पुलिस ने साहबजादियां ते माता गुजर कौर नूं गड्डियां दे विच सरहंद जाके जो उत्थे पेश कर दिता। उत्थे जो सूबा सी उसने तीन दिन पेशियां होईयां साहबजादियां दीआं। गुरु महाराज दे छोटे साहबजादे माता गुजर कौर रोज़ तैयार करके ठंडे बुरज विच्चों पेशियां ते भेजदे देंदे सन, पर साहबजादियां ने आप दे चले हुए संघर्ष जो गुरु महाराज गुरु तेग बहादुर जी ने सिक्ख्या दित्ती सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने ते माता गुजर कौर रोज़ सिक्ख्या दिंदे सन उहदे मुताबक शहीदियां पा दित्तियां, पर आपदा धर्म नहीं बदलिया। बड़े लालच दिते गए, विआह दे लालच दिते गए, पर साहबजादियां ने जो छोटियां जिंदां बद्दे साके करके दिखा दिते। सो सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। इस ध्यान दे स्थान दे नाल बहुत संगतां जुड़ियां रहिंदियां हन। आ छपरे शहादत आ रही है ते 20 तरीक नूं जो बेसमेंट लंगर हाल है उहदा लैटर पिया है। सारियां संगतां नूं बेनती है वध तो वध स्थान दे दर्शन करो, हाजरियां भरो। जिस स्थान दे उत्ते असीं खड़े होए आ इह स्थान दा नाम है गुरद्वारा श्री कोतवाली साहब। इह उह धरती है जिथे कि पहला जेल सी, इह उह जेल नूं अज वी इन बिन रख्या गया तां कि इतिहास बारे अपने बच्चियां नूं दस्या जा सके। इह उही जेल है जिस दे विच छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह ते माता गुजर कौर जी नूं रख्या गया सी। इस तों पहला गंगू बामण दे घर सन छोटे साहबजादे ते माता गुजर कौर जी। जदों उस दे वल्लों ओह मोहरां वाली थैली चुराण दी कोशिश कीती गई अते माता गुजर कौर जी नूं पता लग जांदा है तां माता गुजर कौर जी कहिंदे ने जे तूं रखणियां है तां सारियां रख लै पर रौला ना पा। इस नूं लै के जो है गंगू ब्राह्मण गुस्से दे विच आ जांदा है ते मुगल हकूमत दे कोल पहुँच जांदा है कि माता गुजर कौर जी ते छोटे साहिबजादे उन्हां दे घर दे विच ने। ते जिस तों बाद रथ दे उत्ते सवार हो के जो है साहिबजादे ते माता गुजर कौर जी नूं इत्थे लिआंदा जांदा है। तां आओ तुहानूं उस जेल दे दर्शन करवाउने आ कि किस तरहां पोह दीआं ठंडियां रातां दे विच तन दे उत्ते कपड़ा मोटा कोई नहीं सी, पर इस जेल दे विच जो है छोटे साहिबजादे ते माता गुजर कौर जी ने रात गुजारी सी। इन बिन ओ जेल उसे तरह अज भी मोरिंडा दे गुरद्वारा कोतवाली साहिब विखे सुशोभित है। तां आओ दर्शन करते हैं। ये वो जेल दियां कंधां ने जिहड़ियां कि पुरातन समय दे विच वी इसे तरह दियां सन, हालांकि हुण इस दे उत्ते रंग उतकरण कीता गया थोड़ा जिहा। ते ये वो जेल दा दरवाज़ा है, कोतवाली दा दरवाज़ा है जिथे कि बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह ते माता गुजर कौर जी नूं रख्या गया सी। तां इह पुराने जमाने दा दरवाजा होण करके इह दोवें साइडां दे उत्तों विचकार तों खुलदा हुंदा सीगा, पर हुण इस जेल दे अंदर जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं सुशोभित कीता गया, अखंड पाठ साहिब दे पाठां दी जो लड़ी चलाई जांदी है। तां इत्थे वी जिहड़ी इट दा इस्तेमाल बड़ी पतली इट उस वेले जो वरती जांदी सी उस इट नूं लै के इस नूं तैयार कीता गया। ये वह दरवाज़ा है, ये दरवाजे के विचों दी जाके इस वो जेल है, एक छोटी जी जेल सी जिस दे विच छोटे छोटे साहबजादे ते माता गुजर कौर जी नूं रख्या गया सी। तां जेल दा दरवाजा तुसीं वेख सकदे हो, हालांकि हुण इस दे उत्ते रंग कर दिता गया। इस तों इलावा ये वो छोटा जिहा छेद रख्या जांदा सी तां कि इत्थे लोक भी लगदा हुंदा सी, हुण भी इन्हां ने लोक इसे तरह ही रख्या गया ताकि पता लग सके कि ये साडा माण मत्ता इतिहास है। इस तरह जो है इस जेल नूं ताला लगा दिता जांदा सी तां कि कोई भी बाहर अंदर ना आ सके। तां ये वो जेल दियां कंधां ने जिन्हां दे विच
पोह दियां ठंडियां रातां दे विच जो है छोटे छोटे साहिबजादियां ने गुजारी सी। हालांकि रोशनदान के तौर पर इत्थे भी जो है दो रोशनदान लगाए जाते सन, क्योंकि उस वेले बिजली नहीं हुंदी सी, इस करके ये रोशनदान का इस्तेमाल किया जाता सी। हालांकि हुण इन्हां दे उत्ते शीशे लगा दिते गए ने, पर उस वेले सिर्फ तो सिर्फ इस तरह ही ये रोशनदान हुंदे सन। ते किवें ठंडियां हड्ड चीरवियां हवावां जो है इस जेल के अंदर जांदियां होणगियां, ते किवें छोटे छोटे साहिबजादे ते माता गुजर कौर जी इस जेल दे विच ਰਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਆ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜੋ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਬਿਨ ਉਸਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਇੱਕ ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਹ ਚੌਥਾ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੰਜੇ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕੋਲੂ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕੋਤਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ
ठंड जिहड़ी है हवा अंदर दाखल हुंदी होएगी ते माता गुजर कौर जी ते छोटे छोटे साहिबजादे पुंजे बैठे सन, पर फिर भी उन्होंने सिक्खी का राह नहीं त्यागया। उस सिक्खी के राह के उत्ते चलते हुए शहादत का जाम पी गए। तो यह इतिहासिक दरवाज़ा है जिस दे विच जो उस वेले जो मोरिंडा जेल सी, उस जेल दे विच इस तरह के दरवाजे लगाए गए सन। अज सानू भी लोड़ है अपने माण मते इतिहास तो जाणू होण दी, अपने बच्चों तक इस इतिहास नू पहुँचाउण दी, ताकि साडी आउण वाली पीढ़ी साडे इतिहास तो जाणू हो सके ते कुराहे जांदे जांदे सिर अपने सीधे राह ते आ जाण ते सिक्खी सरूप दे धारनी हो जाण। तां इह है साडे महान इतिहास जिस दे विच 7 साल ते 9 साल दे छोटे छोटे साहिबजादियां दे वल्लों जो है नीहां उन्हां विच चुना के उन्हां नू शहीद कर दिता जाता है, पर फिर भी वह सिक्खी का राह नहीं त्यागते, बल्कि अपने दादे दे पाए पूर्णिया के उत्ते चलते ने अते इकलासानी शहादत दे जाते ने, जिहड़ियां कि रहिंदे समय तक रहिंदी आने वाली दुनिया तक हमेशा सब नू याद रहेगी। एक बार जो पोह का महीना चढ़ता, जो हड्ड चीरवी ठंड हड्डां नू चीरदी है, तो उस वेले जो असी उस समय बारे याद करते हैं कि जो छोटे छोटे साहिबजादे किस तरह नंगे पैरी तन दे उत्ते कोई सर्दियां वाला कपड़ा नहीं सी ते इस जेल दे विच पुंजे बैठे हुए सन, पर फिर भी उस वाहिगुरु का उस अकाल पुरख का शुकराना कर रहे सन। अज सानू भी गुरु दे धारनी होण दी लोड़ है, अप गुरबाणी दे नाल जुड़ना चाहिए, क्योंकि सानू पूर्ण गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दिते गए ने, ते सानू श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नू ही अपना गुरु मनना चाहिए। अजिहा प्रोग्राम अजिहे पेशकश लैके तुहाडे रूबरू हुंदे रहांगे। जुड़े रहो डेली पोस्ट पंजाबी दे नाल।